अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिदा शेख। आज मैं आपको मेरा पनवेल से कुडाल का जो दूसरा भाग है वो बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, अब हम रत्नागिरी स्टेशन पर आए हुए हैं। रत्नागिरी आने पर पता चलता है यहाँ पर, ये देखो, ये हम लोग बैठे हुए हैं। बोर्ड देखकर ही हमें मालूम पड़ा, वैसे तो मोबाइल पर आजकल सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। दोपहर का वक्त था। यहाँ पर ये जो ब्रिज बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, उसके नीचे देखो ये पेंटिंग जो जानवरों की हुई है, कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोपहर का वक्त था इसलिए लोग कम थे यहाँ पर। रत्नागिरी आने पर वड़ा पाव की जो आवाज़ आती है, हमारा जो एसी वाला डिब्बा था इसलिए यहाँ पर उन्हें अलाउड नहीं है। एक हाथ ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप नीचे दरवाजे में खड़े रहकर भी ले सकते हैं। 30 रुपये के डबल थे, एक नहीं दे रहे थे, वो 2 का 30 रुपया, लेकिन अच्छे गरम गरम थे। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को भी लेने आए हुए थे, कुछ उनको पहुँचाने आए हुए थे, अब कुछ उतरने वाले। यहाँ पर हमने भी बाहर का वड़ा पाव देखो बाहर से लिया, दरवाजे में से गरम गरम वड़ा पाव था, बहुत भूख लगी हुई थी। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सड़क देखो, और ऊंचे ऊंचे पेड़। बारिश की वजह से झरने तो इतने बह रहे थे कि पूछो मत, लेकिन ऊंचे पेड़ों में वो छुप गए थे, कैमरे में नहीं आ रहे थे। यहाँ पर देखो पानी किस तरह लाल है। अब उस वक्त बारिश बहुत तेज़ थी इसलिए ये पानी जो है लाल हो गया, ऐसे जगह जगह नदी नाले भरे हुए थे, बहुत ज़ोरों से बारिश थी। कांच पर भी आपको नज़र आएगी, यहाँ पर ये खेती की गई है। खेती के बाजू में जो क्यारी बनाते हैं, वो क्यारी की वजह से देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और ख़ूबसूरत नज़र आता है। यहाँ हम ये ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर ये पानी भी बह रहा है। यहीं पर ये कोई गाँव है, जहाँ पर खेती वहाँ तो गांव होना ज़रूरी होता है, गांव के नज़दीक ही, और एक पानी से नज़दीक खेती करते हैं। यहाँ पर भी देखो पानी कितना लाल है। ये रही खेती, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। देखो ट्रेन फास्ट होने की वजह से मैं आपको क्लियर बता नहीं पा रही हूँ, ऊपर से ये कांच है, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। कितनी तेज़ है देखो ट्रेन। दोपहर में ठीक 3 बजे हमें कुडाल में पहुंचा दी। ये देखो कितना पानी यहाँ पर है, बहुत उसको सिग्नल मिले लेकिन बराबर उन्होंने कवर किया। हमें लगा कि हम लेट पहुंचेंगे, लेकिन हम वक्त पर पहुंचे। ये पानी देखो यहाँ पर कितना भरा हुआ लाल पानी है, ऐसे हर तरफ नदी नाले बह रहे थे, ज़ोरों पर बारिश थी। इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग, टिकट जिनकी कैंसिल हुई थी वो लोग ही बैठे हुए थे, हमारी भी 2 बार कैंसिल हुई थी। ये बड़ा देखो समंदर, उसमें पानी देखो, पानी का बहाव देखो। और ये हरा जो हरे भरे पेड़ है, ये बारिश में ही देखने मिलते हैं। वैसे तो बारिश के वक्त सफ़र करने में बहुत डर लगता है, लेकिन उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखो यहाँ भी पानी कैसा बह रहा है, ऊपर से जो झरने बह रहे थे वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों की वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पर भी ये गाँव देखो आ रहा है, ये देखो ये आप कनकौली आ रहा है। इस पानी को देखकर ही मुझे पता चल गया, वैसे हमने मोबाइल पर भी देख लिया था, ये कनकौली है अगला स्टेशन। और जब स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन जो है हॉर्न देती है और उसकी स्पीड कम हो जाती, तो पता चलता है कि भाई कोई स्टेशन आ रहा है। ये खेती देखो, क्यारियों में पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी भी ज़रूरी है क्योंकि उससे ही तो हमें अनाज वगैरह मिलता है, पानी मिलता है।
यहाँ से ये सड़क गई हुई है। अब ट्रेन हमारी स्लो हो चुकी है, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ देखो। हर तरफ हरियाली, यह हमारा जो खिड़की में जो जाली थी वो गिर गई। ये रहा ग्राम पंचायत कनकौली का, इसकी इमारत है। कनकौली में भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है। ये रहा कनकौली का बोर्ड, ये देखकर ही आपको पता चलेगा। देखो कनकौली आ चुका है। दोपहर का वक्त था इसलिए ज़्यादा रश नहीं था, लोग नहीं थे, कम दिखाई दे रहे थे। अब कनकौली के बाद ओरस, और ओरस के बाद हम जहाँ उतरने वाले थे कुडाल, कुडाल स्टेशन था, इसलिए हम भी कनकौली आते ही हम भी आहिस्ता आहिस्ता, हमारा जो बैग ऊपर रखा हुआ था हम उसे निकाल रहे थे ताकि उतरने में कोई तकलीफ़ ना हो। आहिस्ता आहिस्ता हमने भी उतरने की अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बीच में सिर्फ ओरस ही था, ओरस के बाद कुडाल। यहाँ पर देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कनकौली में। कनकौली भी काफ़ी तरक्की पर है। अब हम कुडाल में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर हम ठीक 3 बजे आए और 3:15 को हमारी बस थी, क्योंकि ज्येष्ठ नागरिक और लेडीज़ के लिए हाफ़ टिकट होता है, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए हम वहाँ पर बस का वेट करने लगे, क्योंकि 15 मिनट क्या ही सिर्फ हमें वेट करना था, और फिर हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे रिक्शा में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो हम यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। रिक्शा वाले बार बार आकर पूछ रहे थे कि जाना है, लेकिन वो 700-800 रुपये बता रहे। तो अगर आपको मालवन, कुडाल से मालवन आना हो, तो दोपहर की 3:15 की बस है। यहाँ पर भी ज़ोरों पर काम चालू था। ये हम लोग बस में बैठ चुके हैं, देखिए ज़रा भी गर्दी नहीं, आराम से हम बैठे। अब ये बस का वक्त नहीं हुआ था इसलिए खड़ी है, कंडक्टर बैठा हुआ है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आप शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।